हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज हम फिर एक न्यू किचन टिप्स वीडियो लेकर आ गए हैं। बहुत ही कमाल का किचन टिप्स वीडियो है, स्किप कर नहीं देखना वरना नहीं पता चलेगा ये टिप्स क्या है और बहुत काम का है किचन टिप्स। ठीक है ना, आपके साथ लेकर आ गए हूँ जैसे कि शेयर करने न्यू टिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिपस्टिक ले लिए हैं, तो लिपस्टिक तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या चीज़ में यूज होता है, सभी लोग जानते हैं। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ बहुत ही कमाल का ये टिप्स है, जो कि आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही काम आने वाला ये टिप्स है। तो देखिए, यहाँ पे सिलेंडर, गैस चूल्हा सिलेंडर है जो कि मेरा ख़त्म हो गया था, तो हम लोग लगाते हैं गैस सिलेंडर और फिर महीने भर का, जैसे कि हम लोग भूल जाते हैं महीना आते थे कि हम किस तारीख को सिलेंडर सेट किए हैं और फिर दिमाग से निकल जाता है, तो फिर मेरा अचानक से गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और फिर हमें बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता है ना। तो इससे क्या होगा, हम डेट लिख दिए हैं 13 तारीख को लगाए हैं, तो हम लिख दिए हैं, तो हम इसलिए कि जैसे जो 4-5 दिन पहले हम गैस मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये टिप्स है ना कमाल का। आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि ये टिप्स कैसा लगा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ दवाई है, ठीक है, दवाई का ये बोतल है, तो बहुत सारे दवाई है ना, बच्चे के घर में तो जानते ही हैं कि बहुत सारा दवाई हो जाता है, फिर हम लोग मिस्टेक बहुत हो जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है। और जानते हैं बच्चे, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो अक्सर सर्दी खांसी बुखार ये सब होता ही है ना, तो उनके लिए हम बता रहे हैं न्यू टिप्स। जैसे कि देखिए, अब हम एक जगह दवाई रख देते हैं, बहुत सारे दवाई हैं और फिर ज़्यादा तो ख़त्म होता नहीं है दवाई, आधा जैसे कि हम लोग यूज करते हैं और आधा यूज करने के बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर दवाई रख देते हैं, फिर दूसरा कुछ हुआ तो फिर दवाई लाते हैं और फिर आधा यूज करके रख देते हैं। तो आज हम आप लोग को टिप्स बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि छोटे छोटे अक्षर होते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है, पढ़ भी नहीं पाते हैं, और कुछ इस तरीके से हम मोबाइल में यदि वीडियो कर थोड़ा सा बड़ा कर अक्षर बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, और डेट जो है एक्सपायर जो होता है वो भी हम अच्छे से देख लेंगे और फिर फ़ोटो खींच कर रखें या कुछ, तो फिर वो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मिटा जाता है ना डेट एक्सपायर जो है, वो सब मिट जाता है, गंदा हो जाता है जब बोतल, तो पता नहीं चलता है। तो ये टिप्स कैसा लगा ज़रूर बताना फ्रेंड्स आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम दूसरे तीसरे टिप्स के पास आ गए हैं। तो ये टिप्स जो है ना बहुत कमाल का टिप्स है, जैसे कि बहुत काम आने वाला है। ये जो है हम भगौने चढ़ाए हैं चूल्हे पे, ठीक है ना, तो ये चूल्हे पे भगौने चढ़ाएँ, तो ये जैसे कि हम आज आप लोग को हम बता रही हूँ न्यू टिप्स जो कि हम फॉलो करते हैं, आप लोग के साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं भगौने में थोड़ा सा पानी है, तो देखिए हम लोग धोकर भगोना रखते हैं तो वो सूख जाता है, इसी की वजह से जो है थोड़ा सा हम इसमें डाले हैं पानी, बस ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा डालना है, और फिर यहाँ पे दूध को छकना से छान लेना है। तो देखिए, अक्सर घरों में ही छनाता होगा दूध और नहीं छानते होंगे फ्रेंड्स, तो छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध में कुछ भी जैसे कि पड़ जाता है, कुछ भी हो रहता है ना, हम लोग को पता नहीं चलता, और छानने से होता है कि जो भी कुछ रहेगा इसमें वो निकल जाएगा। और ये जो हम थोड़ा सा पानी दिए हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पानी दिए हैं तो इससे क्या होगा, तो ये जो हम पहले थोड़ा सा पानी दिए हैं इसलिए कि अंदर से दूध चिपकेगा नहीं, ठीक है ना, नहीं तो कितने बार होता है चिपक जाता है, फिर हम लोग को बर्तन धोने में बहुत परेशानियाँ होता है, तो ऐसे करने से नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे देखिए, हम कैंडल जला रहे हैं, ये एक कैंडल है, वो भी टूटा हुआ कैंडल है फ्रेंड्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कैंडल से क्या करने वाले हैं। तो देखिए, हम बहुत ही कमाल का टिप्स बता रहे हैं, जो कि हम लोग अक्सर घरों में ही ऐसा होता है, कोई भी कैंडल जलाते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, टेबल हो गया या फिर किचन में ये स्लीपर है, वहाँ पे हम जलाकर ऐसे मोम को गिराकर फिर मोमबत्ती को चिपकाते हैं। तो आप लोग बताना फ्रेंड्स, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, तो आज हम आप लोग को एक टिप्स बता रहे हैं जो कि आप लोग फॉलो करना बहुत काम का टिप्स है। तो देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं ढक्कन है, तो आप पेस्ट का ढक्कन ले लो या कोई चीज़ का ढक्कन ले लो, फिर हम उसको क्या करेंगे, इस पे मोम को गिराकर और फिर मोमबत्ती को चिपका देंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा,
कि मेरा जो है मोम इधर उधर नहीं गिरेगा और जो भी होगा इसी में गिरेगा, ठीक है। और जहाँ भी हम इसे ले जाना चाहेंगे वहाँ लेकर रख सकते हैं, टेबल हुआ या फिर किचन में कहीं भी रख सकते हैं। और देखिए मोम गिर जाता है तो फिर हमें चाकू से या कोई चीज़ से छुड़ाना पड़ता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। जब वो ठंडा होता है ना मोम, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, फिर चिपक जाता है तो वो जल्दी छूटता ही नहीं है। तो आप लोग को ये टिप्स कैसा लगा ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और फॉलो कर कर देखना, बहुत कमाल का टिप्स है। पसंद आया है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना। आज का वीडियो यहीं तक, कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।